जय हिंद दोस्तों, आज एक नया सेशन में हम आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं एक नया वैकेंसी लेकर। मिश्र धातु निगम लिमिटेड की ओर से वैकेंसी निकल के आई हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस मिनी रत्ना कंपनी में लिस्टेड है, मेधानी इसी को बोला जाता है, मिश्र धातु निगम लिमिटेड। ठीक है, अब यहाँ से ना वैकेंसी निकला हुआ, फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट से एंगेजमेंट नोटिस, वर्किंग सिलेक्शन प्रोसेस। अब यहाँ पे ना एग्जाम नहीं होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो वैकेंसी निकला हुआ है बल्क मात्रा में नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैं हर चीज़ बताऊँगा क्यों आपको इसमें जॉब करना चाहिए, आप अगर ITI किए या फिर डिप्लोमा किए हैं तो। ठीक है, देखो सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा। एक्सपीरियंस ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। एक्सपीरियंस आपको बहुत सारे चीज़ सीखने को मिलता है। अगर आप कंपनी में काम करते हो तो बोलने का, चलने का, रहने का, खाने का, पीने का, किसको कहाँ पे कितना क्या बोलना है, कैसे क्या करना, ये सब चीज़ बहुत मैनेजमेंट आप सीख जाइएगा। दूसरी बात कि यहाँ पे सैलरी अच्छा खासा मिलेगा। अगर आप कहीं और करते हो तो 10,000, 8,000, 5,000 अप्रेंटिसशिप करते हो, या फिर कहीं और करते हो 10,000, 12,000 मिलता है। अभी तो एक और ड्रामा चल रहा है, इंटर्नशिप का वो चल रहा है, सरकार निकाली है जिसमें कि 5,000 का महीना, तो उससे ये सब अच्छा है। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप इसमें ज्वाइन करते हो तो स्टार्टिंग से सैलरी देख लो, 30,000, 790, 28,000, 27,000, इतना सैलरी आप लोगों को ये सब विभाग देती है। ठीक है, और इसका बात ही कुछ और है अगर आप इससे करते हो तो, क्योंकि भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी है। ओके, अब बात करते हैं मेन चीज़ पे हम लोग। ठीक है, कहाँ जाना है और आप लोग का जो वर्क इंटरव्यू कहाँ होगा, ये सब चीज़ यहाँ पे दिया गया, हालांकि नीचे भी दिया गया, वेन्यू में यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि यहाँ पे ये ऊपर वाला जो पोस्ट है आप लोग का, असिस्टेंट का पोस्ट है, यहाँ पे 28 अक्टूबर को बुलाया गया, मंडे, जिसमें कि यहाँ पे डेट उठ सब चीज़ मेंशन किया गया, टाइमिंग डेट सब चीज़ फिक्स है आप लोग का। रिटर्न टेस्ट, ट्रेड टेस्ट बताया गया, लेकिन छोटा मोटा रिटर्न टेस्ट लेंगे, ट्रेड टेस्ट आप लोग का होगा। इसमें आप जैसे कि डिप्लोमा किए हैं तो इंजीनियरिंग से, मेट्रोलॉजिकल से है, इंजीनियरिंग से भी 60% है, आप एलिजिबल हो। 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन, अगर आप स्टील से अगर इंडस्ट्री में कहीं काम किए हैं तो आपको वेटेज देखने को मिलेगा। ठीक है, और एज की बात किया जाए तो यहाँ पे 38 साल तक आप लोग को वेटेज मिलेगा। यहाँ पर देख लो सैलरी आप लोग का, ये 32,000 के आसपास में आप लोग असिस्टेंट या मेट्रोलॉजी के लिए है, और मैकेनिकल ये लेवल फोर ये दोनों में आप लोग का वही है, ये 28 को, ये 29 को है, यहाँ पर देख लीजिएगा। ओके, दूसरी यहाँ पर जो पोस्ट है आप लोग का यहाँ पे है, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे ITI वाले के लिए असिस्टेंट लेवल 2 फिटर वाले के लिए है, उसके बाद से वेल्डर वाले के लिए है। ये 25 नवंबर को बुलाया गया, उसके बाद से यहाँ पे 26 नवंबर को बुलाया गया। रिटर्न टेस्ट यहाँ पे तो ट्रेड प्रोफेशनली टेस्ट है, जिसमें कि आप अगर फिटर से किए हो तो फिटर से क्वेश्चन पूछेगा, वेल्डर से तो वेल्डर से पूछेगा। ठीक है, सैलरी देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में सैलरी आप लोग को देखो कितना अच्छा, 28,000, 29,000 कम नहीं होता, एक बार ध्यान रखना। ओके, जब आप सरकारी जॉब लोगे ना तो भी आपको इतना सैलरी स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप BHPCL में आते हो तो 10,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ देखने को आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद से देखो यहाँ पे रिटर्न टेस्ट हो, ट्रेड टेस्ट है, यहाँ पे सब चीज़ देखो यहाँ पे मिलेगा, उसके बाद देखने को मिलेगा आप लोगों को। इसके बाद से देखो यहाँ सिंपल से बताया गया, अगर आप 10th के बाद ITI किए हो तो आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए, अप्रेंटिसशिप किए हो तो भी आप एक्सपीरियंस लेने यहाँ से जॉब कर सकते हो। देखो यहाँ पे करने का क्या होता है, अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं, काम करते हो, तो ये लोग मतलब कि फिक्स तो परमानेंट तो नहीं करते, लेकिन डेट को एक्सटेंड करते जाते हैं। अगर आपका लक अच्छा है, अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आपको ये परमानेंट भी कर सकते हैं इन फ्यूचर में। ठीक है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। उसके बाद से देखो मिनिमम यहाँ पे 3 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ बताया गया, यहाँ पे देखोगे तो। उसके बाद से असिस्टेंट लेवल 2 का सैलरी यहाँ पे ड्राइवर का है, यहाँ पे देखोगे 27,710 है। यहाँ पर देखो सैलरी आप लोगों को 27,710 रुपया, 28,000 रुपया, यहाँ पर कम नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पे बताया गया कि मैं 10th के बाद अगर आपके पास LMV या HMV वाला ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप एलिजिबल है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। सीट की संख्या जो है यहाँ पे ना दिया गया, ये चीज़ देख लीजिएगा, सबका अलग अलग यहाँ पे सीट की संख्या, यहाँ पे 4, 2, 3, 9, 2, 13, ये सब सीट की संख्या देख लीजिए। मैं इसका अप्लाई नोटिफिकेशन दोनों चीज़ अवेलेबल कर दूँगा, हालाँकि अप्लाई लिंक और ये चीज़ तो है नहीं, ये वर्किंग इंटरव्यू के बेसिस पे आप लोग का सेशन रहने वाला, तो मैं वो चीज़ PDF आप लोग इसको रीड कर सकते हो, वो चीज़ मैं अवेलेबल कर दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पीरियड ऑफ एंगेजमेंट यहाँ पे 1 ईयर स्टार्टिंग में रखा जाएगा, उसके बाद से आप लोग को, उसके बाद से 3 ईयर आप लोग कर दिया जाएगा। अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो PF, TAD ये सब चीज़ देखो, थोड़ा मोड़ा जो भी चीज़ है मिलता है यहाँ पे, जो लिखा गया मेडिकल लीव हो गया या फिर PF हो गया, एग्जुटी हो गया, ये सब चीज़ ये लोग देते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पर देखिए वर्किंग सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर जाना होगा। ठीक है, ऑफिस में आप लोग का यहाँ पर जो दिया गया
कंचन बाग हैदराबाद, यहाँ पे ये यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिस है, वहाँ पे जाना होगा। उसके बाद से यहाँ पे जो भी चीज़ दिया गया जैसे ITI किए हैं या फिर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास हो, जो HMB LMB वाला, हाई स्कूल पास है, OBC से हैं, SC ST से हैं, PWD से हैं, जो भी है ठीक है, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, वहाँ के मूल निवास पर जाति आवासीय आय आधार कार्ड पैन कार्ड सब चीज़ आचरण प्रमाण पत्र सब चीज़ लेके जाइएगा ठीक है। आप लोग यहाँ पे लेके जाइएगा ओरिजिनल वाला भी, और देखो यहाँ पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स इन टेस्ट यहाँ पे होगा, टेस्ट मतलब ये खाली टेस्ट करने के लिए देखेंगे सिर्फ, तो उसके बाद से 2 कॉपी भी, दोनों चीज़ लेके जाना और सब ऑल डॉक्यूमेंट्स जो मैं बताया हूँ सब चीज़ लेके जाना। देखो यहाँ पे ESI PF ये सब चीज़ कटेगा, ये सब चीज़ कंपल्सरी है, ये सब चीज़ कटेगा। उसके बाद से आप लोग का शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, मतलब कि वर्किंग इंटरव्यू लेंगे तो यार सबको तो थोड़े ले लेंगे, इसका अच्छा होगा। उसके बाद से मेरिट लिस्ट बना देंगे या फिर बुला देंगे भैया, कॉल कर देंगे भैया आप आ जाओ, आप लोग आ जाओ ना, नाम भाई ठीक है। और कुछ नहीं दिया गया, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपना जॉब कीजिए ठीक है। बैठे रहने से या फिर ये जो इंटर्नशिप से तो अच्छा ही है, मैं बस यही कहूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं या फिर कहीं से कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं ठीक है, तो आप लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप लोग को इसे गंवाना नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो बात करते हैं, वंदे मातरम।